जय हिंद साथियों, आपके समक्ष आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं एक और ऐसे वेबिनार के विषय में जो कि कल होने वाला है 31 मई 2020 को सुबह 11 बजे से। तो उसके विषय में सभी जानकारी आपको उस वीडियो में दी जाएंगी कि कितने बजे से होना है ये आपको बता दिया गया है, किस विषय पर होना है, किस संस्थान से होना है और किस माध्यम से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और किस प्रकार से किस तरीके से आप इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं और अपनी शिरकत दाहिर भी जाहिर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अच्छा लगने के बाद इसको शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इसका रजिस्ट्रेशन का डेट अभी बाकी है तो 9 बजे से पहले, आज रात्रि 9 बजे से पहले आप यदि रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो शुरू करने वाला हूँ वीडियो। पुनः आपको जय हिंद करने के साथ साथ अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो एक और नेशनल स्तर का वेबिनार होने वाला है जिसका विषय है, इस प्रकार से आप चाहे नोट कर लीजिए कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की उपयोगिता, ट्रांसलेशन अनुवाद, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, इस विषय पर होने वाला है एक राष्ट्रीय वेबिनार जिसके मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अनवर अहमद सिद्दीकी। जी हाँ, डॉक्टर अनवर अहमद सिद्दीकी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विभाग में ये प्राचार्य के आचार्य के पद पे हैं और एक विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं अनुवाद विभाग के। इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनुवाद की अच्छी समझ रखते हैं, शेर व शायरी की अच्छी समझ रखते हैं, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या मराठी साहित्य हो, इनकी भी समझ रखते हैं और साथ साथ अनुवाद की भी समझ रखते हैं। तो इस विषय पर होने वाले इस एक दिवसीय वेबिनार में आप ज़रूर शामिल हों। और एक चीज़ नहीं, दो चीज़ नहीं, तीन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, सभी प्रतिभागी का रजिस्ट्रेशन फ्री है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको मैं लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जैसे वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर एक लिंक दिया गया है जिसमें तीन लिंक हैं एक तरीके से, एक लिंक रजिस्ट्रेशन का है, दो अदर लिंक्स हैं। दो अदर लिंक्स किस चीज़ के हैं मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। जो लिंक आपको रजिस्ट्रेशन का दिया है यदि वह ओपन होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि सीट खाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो दो लिंक दिए हैं, लिंक एक लिंक दो व्हाट्सएप ग्रुप के हैं, तो आप पहले लिंक का यूज़ करेंगे, अगर उसमें सीट फुल है तो आप उस लिंक के आधार पे उस ग्रुप के मेंबर नहीं बन पाएंगे, तो आपको दूसरे लिंक पर जाना है, उस पर ट्राई करना है। यदि उसमें सीट खाली होगी, यानी कि लिमिटेशन होता है, हर ग्रुप का एक लिमिटेशन होता है, सॉफ्टवेयर उससे अधिक बच्चों को नहीं लेता है, तो यदि सेकेंड में चांस मिलता है, और ये ग्रुप इसीलिए बनाए गए हैं कि वेबिनार के विषय में कुछ भी बदलाव, कुछ भी जानकारी तो आपको इस ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आपको व्हाट्सअप नंबर पर, ईमेल आईडी पर ही सभी सूचनाएं, क्षमा कीजिए, आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी पर ही सभी प्रकार की सूचनाएं दी जाएंगी वेबिनार के विषय में। और जो भी विद्यार्थी स्तर के हैं या शोधार्थी हैं, जो भी अध्यापक या प्राध्यापक हैं, वह सभी इस वेबिनार में आयोजित हैं, आमंत्रित हैं और इस आयोजन में अपना भूमिका निभा सकते हैं और अपना योगदान भी दे सकते हैं। योगदान से तात्पर्य है आप इस वेबिनार के दौरान उन वक्ताओं से सवाल जवाब भी कर सकते हैं, ये आपका योगदान है। कुछ चीज़ों में डाउट है तो उसके लिए सवाल जवाब कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ को पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अपना योगदान भी और अपनी भूमिका भी इस वेबिनार में आप दे सकते हैं, जिसका विषय रखा गया है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की भूमिका। 31 मई अर्थात कल सुबह 11 बजे से ये वेबिनार आयोजित होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी लिंक, ज़रूरी वेबसाइट आपको दे दी गई है। उसके बाद भी कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की कोई उलझन होती है, तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है, आप मुझसे कुछ भी कभी भी किसी प्रकार से भी पूछ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेरे पूर्व के वीडियो को आपने देखा सराहा, उसके लिए एक सलाम आपको, और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको बहुत से और वीडियो मिलेंगे वेबिनार सेमिनार के विषय में। और एक चीज़ और बता दूँ कि 10 जून के बाद से, जी हाँ आपने सही सुना, 10 जून के बाद से शायद मैं वेबिनार और सेमिनार के विषय में वीडियो ना डालूं। सूचनाओं के रूप में आपको मैं अपने फेसबुक पेज या ब्लॉग पर सूचनाएं दे दूँगा, लेकिन वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं, खासकर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब जो समय है जून से लेकर अगस्त तक का, एडमिशन के बाद एंट्रेंस का है, इंटरव्यूज़ का है और सिनॉप्सिस को लेकर हो, आगे के फ्यूचर्स को लेकर है। तो अकेडमिक स्तर में किस प्रकार के हम सिनॉप्सिस बना सकते हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, एंट्रेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और शोध प्रपोजल, शोध प्रस्ताव, जिस वजह से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, इसी प्रकार की वैचारिकी को लेकर जून के सेकेंड वीक से आपको इस प्रकार के वीडियो मिलेंगे, जो अधिकांश हिंदी में होंगे,
कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में मटेरियल आपको पीडीएफ में मौजूदा समय में आपको प्राप्त हो सके, लेकिन उस प्रकार की सीरीज़ भी आपको 10 जून के बाद देखने सुनने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद करेंगे और ये वीडियो भी पसंद किया होगा और अंत तक देखा होगा वीडियो। यदि वीडियो पूरा देखा है तो आपको एक और सलाम। अंत में जाते जाते यही रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिएगा, लिंक अभी ओपन हो रहा है, मैंने स्वयं ट्राई किया है, फ़ोन में मैंने खुद अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है 5 से 7 मिनट पहले, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि अगर मैंने चांस लिया है तो आप भी चांस लीजिए। रजिस्ट्रेशन होता है तो इसमें प्रतिभागी हुई है, और यदि किन्हीं वजहों से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो जिम्मेदार आप नहीं, जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ कि आपको जानकारी मैं देरी से प्रदान कर पा रहा हूँ, क्योंकि जानकारी मुझे ही स्वयं कुछ घंटे पूर्व मिली है, तो उसको पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई जानकारी होती है, अगर सही होती है तभी मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ, और वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड भी करता हूँ, क्योंकि बहुत से वीडियोज़ ऐसे होते हैं कि बनाने के बाद मैं अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि जानकारी फेल हो जाती है या उसकी डेट्स एक्सपायर हो जाती है। तो मैं वही वीडियोज़ बताता हूँ जिसके आपको फ़ायदा हो, और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया 5-7 मिनट में इस वेबिनार के विषय में उसमें प्रतिभागी हों, कोई समस्या कोई उलझन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, कोई सुझाव है तो वे बताएं, और किन नए विषय पे आप वीडियोस चाहते हैं मुझे बताएं। मैं लिस्ट बना रहा हूं, अभी तक लगभग 80 से ऊपर मेरे पास सुझाव आ चुके हैं, और उसमें से लगभग 30 विषय मैंने चुने हैं वीडियोस बनाने के लिए। यदि आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं किसी भी विषय पर, साइंस का हो, संस्कृत का हो, सोशल साइंस का, लिटरेचर का हो, वीडियो चाहते हैं तो, और आप उस पर कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो पुनः आपको एक और सलाम देते हुए, 4 सलाम हो गए इस वीडियो को, ये मैं सलाम इसलिए कर रहा हूँ कल के जब वक्ता को सुनेंगे आप, डॉक्टर अनवर अहमद सिद्दीकी, बड़े शायर हैं वो, आपको लगेगा नहीं कि वह व्यक्ति अनुवाद के टीचर है या अनुवाद के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा काम है, बहुत गजब के शायर भी हैं। तो उन्हीं से ये सलीका सीखा है, सलीके से, सबब से, सरलता के साथ अपनी बातों को सहज शैली में प्रस्तुत करने का हुनर कहीं ना कहीं अहमद सर से मैंने भी थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास किया है। तो आपको भी कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो तो कल के वेबिनार में शिरकत करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। अच्छा लगा हो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार इंडिया।